इंडस्ट्री में हमेशा ही सदाबहार अभिनेत्री रेखा चर्चा का विषय बनी रहती हैं। रेखा का फिल्मी करियर बेहद शानदार रहा है, तो वहीं बात की जाए उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ तो उतनी ही कॉन्ट्रोवर्शियल रही है। रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान बनाई, अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए फैंस का दिल जीता, तो वहीं दूसरी ही तरफ अपनी खूबसूरती के जरिए आज भी फैंस के दिलों पर राज कर रही हैं। रेखा की उम्र धीरे धीरे भले ही बढ़ती जा रही है, लेकिन आज भी रेखा जहां भी जाती हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती हैं। अपने शाही अंदाज के जरिए रेखा हमेशा ही फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचती हुई नजर आती हैं। जहां एक ओर रेखा फैंस की फेवरेट हैं, तो वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सितारे भी रेखा पर हमेशा प्यार बरसाते हुए नजर आते हैं और हमेशा ही रेखा की खूबसूरती, उनके टैलेंट, उनकी शानदार एक्टिंग की तारीफ करते हुए भी देखे जाते हैं। लेकिन जहां एक ओर रेखा ने काफी नाम और शोहरत कमाई अपने फिल्मी करियर से, लेकिन इस फिल्मी करियर में रेखा ने कई उतार चढ़ाव भी देखे। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे रेखा की उस फिल्म के बारे में जो सालों तक रिलीज तक नहीं हो पाई थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। आखिरकार ये कौन सी फिल्म थी कि रेखा की ये फिल्म रिलीज तक नहीं हो पाई और इसके पीछे का रीजन क्या था, क्या थी वो वजह, ये बताएंगे आपको हम अपनी रिपोर्ट के जरिए। देखिए हमारी रिपोर्ट। बॉलीवुड के फेमस कपल्स में नाम शुमार है गोविंदा और सुनीता आहूजा का। ये प्यारा सा कपल एक दूसरे से बेहद प्यार करता है और दोनों की शादी को 34 साल हो चुके हैं। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि साल 1987 में 11 मार्च के दिन गोविंदा और सुनीता आहूजा शादी के बंधन में बंधे थे। इन दोनों ने किस तरह से शादी की, दोनों किस तरह से शादी के बंधन में बंधे, ये सब बताएंगे हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि गोविंदा ने खुद अपने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि किस तरह से वह शादी के बंधन में बंधे थे सुनीता आहूजा के साथ। दरअसल गोविंदा और सुनीता आहूजा ने गुपचुप तरीके से शादी रचाई थी। 90 के दशक में गोविंदा अपनी शानदार एक्टिंग और अपने लुक के जरिए फैंस के दिलों पर राज किया करते थे और गोविंदा की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी कॉलेज गोइंग लड़कियों के बीच। गोविंदा जहां एक ओर अपनी शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर हैं, तो वहीं अपने डांसिंग स्किल्स के लिए भी। ऐसे में देखा जाए तो गोविंदा ने जब शादी की तो वाकई में सभी हैरान रह गए। गोविंदा ने साल भर तक इस बात को छिपाया कि कहीं शादी के बाद उनका फिल्मी करियर खराब ना हो जाए। गोविंदा ने अपने इंटरव्यू में खुलासा किया था, जब गोविंदा मशहूर अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल के टॉक शो में पहुंचे थे अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ, और उस दौरान गोविंदा ने सुनाया था इस पूरे किस्से के बारे में। इतना ही नहीं, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने भी बताया था। सुनीता आहूजा ने बताया कि गोविंदा को लव लेटर लिखा करती थी और उनका भाई उनके लिए पोस्टमैन का काम किया करता था। एक बार गोविंदा की मां ने उनका लेटर पकड़ लिया था और गोविंदा ने बताया कि उनकी मां ने सुनीता को उनके लिए पसंद कर लिया था। गोविंदा ने बताया कि मां ने कहा था कि तुम मेरा भरोसा करो और इसी से शादी करो, लेकिन हमने शादी बड़े गुपचुप तरीके से की थी। उस जमाने में कुछ लोगों ने मुझे डरा दिया था कि लड़कियां तुमको लेटर्स लिखती हैं मरती हैं, और अगर उन्हें तुम्हारी शादी का पता चल जाएगा तो क्या होगा, फैन फॉलोइंग ना खराब हो, इसलिए मैंने गुपचुप तरीके से शादी की थी। गोविंदा ने बताया कि हमें साल भर तक शादी की बात छिपाए रखी थी। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने खुलासा किया था कि उनकी बेटी भी हो चुकी थी और उस बीच ऐसा भी होता था कि हम कभी ठीक से बाहर घूमने तक नहीं जा पाया करते थे। गोविंदा ने बताया अपने इंटरव्यू में अपनी शादी को लेकर ही कि कभी कभी बाहर जाया करते थे, जब कोई देख लेता था तो मैं इधर उधर भाग जाया करता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये शायद किसी का भेजा हुआ है और मेरा करियर खराब कर देगा। करियर उस वक्त मेरे लिए एक गुड़िया बन गई थी।
जिसे मैं हाथ में पकड़े रहता था, जिससे कि कोई इसे मुझसे छीन ना ले। और इस वजह से गोविंदा ने अपनी शादी की बात फिल्म इंडस्ट्री से छिपाई थी। जी हाँ, गोविंदा अपनी शादी को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहे हैं। जहाँ एक ओर गोविंदा ने सुनीता आहूजा के साथ गुपचुप तरीके से शादी रचाई, तो वहीं गोविंदा ने एक बार फिर से सुनीता आहूजा से शादी रचाई थी। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि गोविंदा ने सुनीता आहूजा के साथ एक बार फिर से शादी रचाई और अपने इंटरव्यू में बताया कि आखिरकार 49 साल की उम्र में उन्होंने फिर से अपनी पत्नी से दोबारा शादी क्यों की। गोविंदा ने बताया कि वही हुआ जो सही थी, ऐसा नहीं हुआ कि कहीं हो गया। मेरी माँ ने कहा कि गोविंदा 49 साल की उम्र में तुम फिर से शादी करो और 49 साल की उम्र में करो और समुद्र पार करो। गोविंदा ने बताया कि 49 साल की उम्र में अपनी ही पत्नी सुनीता आहूजा से फिर से शादी की और दूसरी बार शादी को पूरे विधि विधान के साथ किया था। जी हाँ, पूरे रीति रिवाज के साथ किया गोविंदा ने। उन्होंने बताया कि ये हुआ है, सच है। वेल, बताना चाहेंगे आप सभी को कि इस तरह से गोविंदा शादी के बंधन में बंधे। इतना ही नहीं, गोविंदा जब पहुंचे थे फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में, तो उस दौरान भी गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ पहुंचे थे और उस दौरान भी गोविंदा ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज खोले थे कपिल शर्मा के शो पर। देखा जाए तो कपिल शर्मा के शो पर एक बार फिर से गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता आहूजा की मांग भरी थी। जी हाँ, उस दौरान भी गोविंदा काफ़ी सुर्खियों में आ गए थे और इस तरह से ये प्यारा सा कपल आज भी चर्चा का विषय बना रहता है। आज भी फैंस का दिल जीत लेते हैं गोविंदा और सुनीता आहूजा। सो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया इस रिपोर्ट के ज़रिए कि रेखा की ये फिल्म सालों बाद रिलीज़ हुई और ये फिल्म थी दो शिकारी। जहां एक ओर रेखा ने इस फिल्म में शूटिंग के दौरान काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, रेखा घबरा भी गई, जैसा कि हमने आप सभी को बताया इस रिपोर्ट के ज़रिए। लेकिन देखा जाए तो रेखा ने अब तक कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी हैं और रेखा जहाँ एक ओर अपने ट्रेडिशनल लुक के ज़रिए फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं, तो वहीं रेखा ने अब तक कई फिल्मों में ट्रेडिशनल लुक के ज़रिए हमेशा ही फैंस के दिल को जीता है। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ रेखा ने कई फिल्मों में बोल्ड सीन्स भी दिए, जिसके चलते रेखा काफ़ी विवादों से घिरती हुई भी नजर आई और यही नज़ारा देखने को मिला इस फिल्म में। वेल, आप सभी को रेखा के बारे में जानकर कैसा लगा या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।